नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड इन दिनों सरकार के अलावा आम लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। देश भर में साइबर क्राइम तेजी से अपने पैर फैला रहा है। जागरूकता की कमी और डर की वजह से रोजाना कई लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम और फाइनेंशियली फ्रॉड को रोकने के लिए हमें भी सावधानियां बरतनी होंगी। विवेक अग्रवाल ने भी मीडिया के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमें साइबर क्राइम और फाइनेंशियली फ्रॉड से बचने में मदद कर सकती है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी साझा न करें, ऑनलाइन संदिग्ध ईमेल और मैसेज का जवाब न दें, वैध साइट्स पर ही ऑनलाइन लेन देन करें, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें, कभी किसी से ओटीपी शेयर न करें, अपने पासवर्ड को मजबूत और अद्वितीय रखें, अपने डिवाइस और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखें और संदिग्ध लिंक या ईमेल को कभी न खोलें। इन सावधानियों को बरतकर हम साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोक सकते हैं और अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में स्थानीय थाना स्तर पर ही साइबर अपराध और फाइनेंशियली फ्रॉड के खिलाफ जांच और कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो जितनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अप्लाई करना कंपलसरी FATF ने किया है। वर्ष 2019 में वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स को उसमें सम्मिलित किया गया। उससे पहले वास्प कंपोनेंट नहीं था, अब वास्प को एज ए फुल फ्लेज कंपोनेंट रिकमेंडेशन 15 का हिस्सा बनाया गया है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज, फिनटेक, पेमेंट गेटवेज और वास्प, इन सब के ऊपर कैसा रेगुलेशन होना चाहिए उसका प्रावधान स्टैंडर्ड में किया गया है। तो तीन तरह की चीज़ें उसमें हैं। एक तो ये कि जो फिनटेक के माध्यम से और वास्प के माध्यम से लोकल करेंसी का कन्वर्जन हो रहा है, लोकल करेंसी में पेमेंट हो रहा है, उसको रेगुलेट होना है। अगर वास्प टू वास्प ट्रांजैक्शन हो रहा है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वास्प का ट्रांसफ़र हो रहा है या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट को वास्प का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इन सब पे किस प्रकार का रेगुलेशन होना चाहिए वो रिकमेंडेशन 15 में दिया गया है। भारत का जब इवेल्युएशन हुआ तो भारत, जैसे आपने देखा होगा कि विश्व की 75% कंट्रीज़ और जुरिसडिक्शंस ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन से नॉन कम्प्लायंट हैं या पार्शली कम्प्लायंट हैं, पर जो 25% कम्प्लायंट और लार्जली कम्प्लायंट जुरिसडिक्शंस हैं उनमें भारत को भी आंका गया है। तो भारत आज की तारीख में रिकमेंडेशन 15 से कम्प्लायंट जुरिसडिक्शन है। और उस कम्प्लायंस के लिए जो हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है उसमें हमने फिनटेक्स जो हमारी कंपनीज थी उनको तो रेगुलेट किया ही था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज को रेगुलेट करने के लिए मास्टर सर्कुलर और गाइडलाइंस जारी की, जिससे हमने उस सेक्टर को पूरी तरह से कवर किया। उसके अलावा जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए मार्च 2023 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें वास्प को भी डेजिग्नेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी घोषित किया गया। उनको रिपोर्टिंग एंटिटी घोषित करने के बाद उनका FIU से उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंपलसरी किया गया है। तो अगर कोई वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर भारतीय कस्टमर को सर्विस देता है तो उसका FIU में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसमें जितने भी वॉलेट होल्डर हैं, अगर किसी पर्सन का वॉलेट है तो उस वॉलेट के होल्डर का KYC और CDD किया जाना ज़रूरी है। और अगर ट्रांजेक्शन अनयूजुअल होती हैं, जैसे बैंक्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए निर्धारित किया गया है कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग FIU को होनी चाहिए, वही जो रिकमेंडेशन के हिसाब से जो स्टिपुलेशन है वो वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे भी लागू की गई है। तो अब FIU के पास अगर कोई वर्चुअल असेट के माध्यम से अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होती है उसकी रिपोर्ट FIU में आती है। वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को फैंस भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं अनुष्का के इस वीडियो में क्या है खास। फिल्मों से दूर अनुष्का शर्मा फिलहाल अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान दे रही हैं और ऐसे में अपने बैग में रखे हुए सामान को लेकर वह खुलासा करती हुई नजर आई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद फैंस अनुष्का की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया है वह निश्चित तौर पर काफी मजेदार है। अनुष्का शर्मा के इस वीडियो में बैकग्राउंड से आवाज आती है।
अनुष्का शर्मा के इस वीडियो में बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, हाय अनुष्का, आपके बैग में क्या है? फिर एक्ट्रेस कहती हैं, ओ मेरे बैग में एक मास्क है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मास्क काफी अजीबोगरीब है जिसमें सिर्फ आंखें। यह वीडियो उन्होंने शेयर किया है। अनुष्का के इस वीडियो को फैंस भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ ही देर में इसे 3 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, वहीं 3.4 मिलियन व्यूज मिले हैं। बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी 2017 में हुई थी, वहीं 2021 में उनकी बेटी बामिका का उन्होंने स्वागत किया, तो 2024 में वे अपने दूसरे बच्चे अकाय को भी इस दुनिया में ला चुके हैं। वहीं अनुष्का शर्मा अपने पति और बच्चों के साथ फिलहाल लंदन में रह रही हैं। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर की कुछ कॉलोनियों में लगे पोस्टर सुबह से चर्चा का विषय बन गए हैं। हिंदू राष्ट्र संगठन के द्वारा ये पोस्टर लोगों के घरों और गाड़ियों में चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टर पर एक है तो सेफ है और गजबाए हिंद नहीं अब चलेगा भगवाए हिंद जैसे नारे लिखे गए हैं और आम लोगों से हिंदू एकता का आह्वान किया गया है। इंदौर के भंवरकुआ इलाके की कुछ कॉलोनी में आज सुबह से कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर गजबाए हिंद नहीं अब चलेगा भगवाए हिंद जैसे नारे लिखे गए हैं। इन पोस्टरों में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और त्योहार जिहाद का उल्लेख करते हुए हिंदू समुदाय को एकजुट रहने का संदेश दिया गया है। पोस्टर पर लिखा गया है कि अगर एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे। इन पोस्टरों के साथ प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी चित्र लगाए गए हैं। कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले यह अभियान इंदौर में चलाया गया है। हिंदू संगठन ने इन पोस्टरों को लगाकर नारेबाजी की और हिंदू एकता का आह्वान किया। पिछले दिनों कुछ मुस्लिम संगठनों ने गजबा हिंद के पोस्टर लगाए थे, उसी का विरोध करते हुए आज हमने भगवा हिंद के पोस्टर लगाए और गजबा हिंद समाप्त करके रहेंगे, भगवा हिंद पूरे राष्ट्र में फैलाएंगे, ऐसा हम नारा लेकर हिंदुओं के घर जा रहे हैं और हिंदुओं को समझा रहे हैं कि इन लोगों से दूर रहे, ये जिस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, लोग जिहाद कर रहे हैं, इनसे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी आने वाले हैं 30 नवंबर को, क्या उनके समर्थन में भी ये पोस्टर है? एक तो हमें उनको निमंत्रण देने भी गए कि 30 तारीख को हमारे जो राष्ट्रीय सनातन संत है धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू समाज का इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है उसमें आ रहे, तो आप लोग भी आइए और उनके समर्थन में आकर उनका सपोर्ट कीजिए। किन किन जगहों पर ये पोस्टर अभी तक लगा दिए? आज हमने इंद्रपुरी कॉलोनी के जो पॉश एरिया है, जहाँ की चूँकि क्या होता है पॉश एरिया में लोग निकलते नहीं, पर लेकिन उन्हीं लोगों को हम जागरूक करने के लिए गए कि आप लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर बट के रहोगे तो कट जाओगे, इसलिए बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नारा उनको लेकर पोस्टर और स्लोगन हमने उनके घरों के वहाँ लगाया। और भी कहीं लगाएंगे, और भी क्षेत्रों में लगाएंगे? अब हम अभी तो हमने आज ये क्षेत्र में लगाया, फिर नेक्स्ट ये दूसरे हिंदू क्षेत्रों में भी लगाएंगे बस। वहीं इंदौर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 5 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर में कुल 19 ब्रिज बनाए जाएंगे जो प्लान अभी तक तैयार किया गया है। इंदौर को फ्लाईओवर सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने BRTS पर 5 नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। शहर में कुल 19 ब्रिज और फ्लाईओवर बनाने का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें से 8 फ्लाईओवर BRTS को हटाकर बनाए जाएंगे। इसमें से 2 फ्लाईओवर का काम चल रहा है जबकि 1 बनकर तैयार हो गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इंदौर में जल्द ही 5 फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। यह परियोजना इंदौर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी और शहर में फ्लाईओवर सिटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन किया है जो इस परियोजना को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इन नए फ्लाईओवर को बनने से जहां शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा तो वहीं अब वाहन चालकों को सिग्नल पर रुकना भी नहीं पड़ेगा और वो बिना रुकावट के कई किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगे। आया था कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसकी जगह पर चूंकि उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, अलग अलग फ्लाईओवर्स हमारे रोड पर बनाए जाने की आवश्यकता है, तो इस हेतु एक एजेंसी का चयन IDA के माध्यम से कर लिया गया है और उस एजेंसी को हमारी पूरी AB रोड का एक फिजिबिलिटी सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है और वो पूरा ट्रैफिक के डेटा का अध्ययन करेगी, जो जितनी जगह उपलब्ध है उसका अध्ययन करेगी, उसके आधार पर उनके द्वारा ये विकल्प दिए जाएंगे कि ये जो हमारे 5-6 चौराहे हैं इन सभी जगहों पर कहाँ पर
फ्लाई ओवर बनाए जा सकते हैं, कहाँ पर सीधा ए वी रोड पर बनाए जा सकते हैं, कहाँ पर ए वी रोड को क्रॉस करते हुए बनाए जा सकते हैं, या अन्य क्या इस हेतु विकल्प हो सकते हैं। तो उनके एजेंसी के द्वारा इसी सप्ताह काम प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह एजेंसी का चयन हुआ है और मुझे लगता है कि लगभग एक महीने में हमारे पास में क्लियर स्थिति आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पर ब्रिजेज बनाए जाने की संभावना है और कहाँ पर उसकी वायबिलिटी है। तो वहीं रुक कर अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समाज के लोग पहुंचे और अपनी समस्या को सामने रखा। कलेक्टर आशीष सिंह ने ट्रांसजेंडर लोगों की समस्या को सुना और उनकी समस्या को सामाजिक न्याय विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। लंबे समय से ट्रांसजेंडर समाज के लोग घर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा उन्हें जमीन अलॉट नहीं की गई है। ऐसे में इन लोगों के लिए अब किराए से मकान लेना भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। शहर के किसी भी इलाके में लोग इन्हें मकान देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब ये ना रोजगार कर पा रहे हैं और ना ही शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर आज बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा। ट्रांसजेंडर चित्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वे समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी भलाई के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने गरिमा गृह संचालन के लिए मांग की थी और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संगठन ने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात करते हुए जमीन की मांग की है। एक्चुअली हम हेडशेल्टर की समस्या के लिए आए थे, जैसे कि अभी मैं पढ़ने के लिए मेरे गांव से आई हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को इम्प्लॉयमेंट मानती हूँ, तो उसके तहत लोग मुझे रहने के लिए घर ही नहीं देते। अब जब मुझे रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए सुविधा ही नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं भी भारत की एक नागरिक हूँ, मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं ऐसी हूँ, मैं सही हूँ, इसके ना ठोक के कहती हूँ कि मैं सही हूँ। तो मुझे भी पढ़ाई करना है, समाज के उज्ज्वल भविष्य में योगदान देना है, देश के भविष्य में योगदान देना है, क्योंकि मैं प्राउड हूँ, प्राउड पर्सन इन माई सेल्फ हूँ। तो इसीलिए, लेकिन अगर आप हमें शेल्टर ही नहीं देंगे, हमें बेसिक नीड्स नहीं देंगे, तो मैं क्या करूँगी? लेकिन मेरे अंदर भी प्रतिभा है करने की, मैं भी कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, पर कुछ योगदान शेल्टर होम के तो है कि मतलब रहने के लिए शेल्टर होम चाहिए, जैसे कि अभी भी ये शेल्टर होम है उसमें, लेकिन वो केवल 3-4 लोगों के रहने के लिए इतना सफिशिएंट है उसकी जगह। लेकिन जैसे कि अभी और क्राइसिस हो रहे हैं, और भी कुछ जैसे लोग हैं जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है और जिनको मतलब पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं रहती, तो उनको हम कहाँ रखेंगे? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हाँ, अभी मैं ऑफिशियली लिख के देता हूँ ये वो, लेकिन इस बार भी होने में ऐसा ही। देखिए, हम जो हमारे भारत या हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसमें से एक हम लोग सिर्फ मकान की आग्रह करने ही आए थे, क्योंकि समाज में ट्रांस कम्युनिटी के लोग के एक बहुत ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि उनको ना तो कोई रहने के लिए कोई मकान देता है, और साथ ही साथ मतलब हम चाहते हैं कि जब भिक्षा केंद्र बने हैं या वृद्धाश्रम बने हुए हैं, ऐसे ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी ऐसा कोई शेल्टर होम हो जहाँ पे वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जॉब कर सके, और जो SRS सर्जरी के लिए आते हैं वो लोग भी कर सके। तो हम कलेक्टर साहब के पास इसीलिए आए थे क्योंकि गरिमागढ़ सेंटर सेंटर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर तपिश फाउंडेशन को खोलने के लिए राइट्स दिए हुए, उसके ऑर्डर भी हमारे पास रखे हुए हैं, तो उसी के तहत हम मांग करने आए। जैसे कि दूसरे राज्य में भी कलेक्टर सर ने, जैसे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर सर ने उनके वहाँ पे दे रखा है उनको जमीन, या राजस्थान में देख लीजिए या बिहार में देख लीजिए, इसी तरह मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई हमें हेल्प नहीं मिली, तो उसी को लेकर हम सर के पास आए थे। सर ने तो यही बोला है कि ये हमसे अगर सरकार मांगेगी तो हम देंगे, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक हम लोगों को एक बार सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 और उसके नियम 2022 जो आए हुए 2020 जो आए हुए हैं, उसके तहत साफ साफ लिखा गया है, चाहे वो जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, या पूरा भारत में हो, सभी को वेलफेयर, ट्रांस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए उचित कदम उठाने पड़ेंगे। जी हाँ, ट्रांसजेंडर जो यहाँ पर आए थे, लेकिन चूंकि इस प्रकार के जो स्पेशल होम हैं, चाहे वो विकलांगों के लिए हो, चाहे वो अन्य जो इस प्रकार का जो तबका वंचित वर्ग होता है,
उसके लिए जितने भी इस प्रकार के शेल्टर होम बनाए जाते हैं वो शासन या तो केंद्र सरकार की सहायता से या राज्य शासन की सहायता से उनके अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु या तो बनाए जाते हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, या फिर अगर शासन के द्वारा इस प्रकार की राशि आती है तो उनके द्वारा जगह की मांग करी जाती है। चूँकि संबंध में कोई भी शासन के निर्देश प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमारी तरफ से जो इनके द्वारा समस्या बताई गई है उसको आयुक्त सामाजिक न्याय को चिट्ठी लिखी जाएगी कि ऐसी ऐसी यहाँ पर समस्या है, उनकी तरफ से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में देर रात फिर से बदमाशों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले बाकायदा रेकी की और जब व्यापारी का मकान सुनसान देखा तो घर का ताला तोड़कर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वह फरार हो गए। बदमाशों की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। इंदौर के विजयनगर इलाके में एक कारोबारी के सोने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। बदमाश घर में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरियादी ने इस मामले की शिकायत विजयनगर थाने की पुलिस को की है। पुलिस की माने तो फरियादी हनी पटेल अपने परिवार के साथ पुणे गए थे। कल ही वापस लौटे तो घर के ताले टूटे मिले। जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, घड़ियां और 5,000 रुपए नकदी गायब थे। जब उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो 24 नवंबर की रात 8 से 9 बजे के बीच एक बदमाश घर में घुसकर चोरी करता हुआ नजर आया। उन्होंने फुटेज पुलिस को सौंप दिए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 74 में परसों रात्रि एक सुने घर में मकान मालिक बाहर गए हुए थे, तो उसमें हाउस ब्रेक हुआ है, तो उसमें विधिवत एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, तो जिसमें की चोरों की तलाश किया है। हाँ, चल रही है, गश्त चल रही है। वो जो मतलब हाउस ब्रेक हुआ है तो उसमें फुटेज प्राप्त हुई है और बाकी उनकी तलाश जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।